नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। गुरुग्राम शहर में ईमानदार सरकार के राज में अब एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। सिलोखड़ा गांव में योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की अपर्णा आश्रम सोसाइटी की 24 एकड़ जमीन को बेचने और उसकी रजिस्ट्री कराने का मामला गर्माता जा रहा है। खास बात यह है कि सिर्फ 20 दिन में ही इस 2500 करोड़ की संपत्ति को बेच दिया गया, इसलिए सोसाइटी के प्रधान व सदस्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले में मानव आवाज संस्था ने आवाज उठाते हुए कहा है कि इस तरह से किसी सोसाइटी की जमीन को नहीं बेचा जा सकता, इसलिए संस्था इसे ना केवल अदालत में चुनौती देगी बल्कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसकी CBI जांच की मांग भी करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में फिलहाल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला उच्च स्तरीय राजनीति से संरक्षित भी माना जा रहा है। देखिए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जो मृत्यु अचानक प्लेन क्रैश में जून 94 में उनकी डेथ हुई थी। अचानक जब उनकी डेथ हुई तो लगभग 32 एकड़ जमीन गुड़गांव में और उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 123 एकड़ जमीन उनकी वहाँ पर थी और दिल्ली में कुछ प्रॉपर्टी थी। जब उनकी डेथ होती है तो डेथ के तुरंत बाद मुरली चौधरी जी एक गवर्निंग काउंसिल के मेंबर थे तो उनको प्रधान बना दिया जाता है, परंतु धीरे धीरे विवाह चलता रहता है और जो नए मेंबर और ऐड होते रहते हैं इस संस्था के अंदर। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने 1973 में एक अपर्णा आश्रम सोसाइटी करके संस्था रजिस्टर्ड की थी दिल्ली के अंदर। ये दोनों प्रॉपर्टी उस संस्था के तहत ही आती हैं। जब उनकी अचानक डेथ हो जाती है तो जम्मू कश्मीर की सरकार जो 123 एकड़ जमीन जम्मू कश्मीर उधमपुर के अंदर थी वो सरकार वापस ले लेती है। और अभी रिसेंटली अभी पिछले वर्ष ही केंद्र सरकार ने लगभग 82 करोड़ रुपये सेंक्शन किया है उस जगह को एज ए पर्यटन स्थल डेवलप करने के लिए। परंतु दुख की बात है जो गुड़गांव में 32 एकड़ ज़मीन जो थी यहाँ कुछ नहीं हुआ और ये 3-4 बार जो उनके सदस्य थे अपर्णा आश्रम सोसाइटी के सदस्य हैं उन्होंने इसको बेचने का प्रयास किया। यहाँ तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब कोई NGO ज़मीन लेती है या NGO की जो भी प्रॉपर्टी होती है अगर वो NGO ख़त्म हो जाती है तो भारत के अंदर रूल है कि वो NGO की जो भी प्रॉपर्टी है वो या तो उस तरह की सेम NGO के अंदर वो मर्ज हो जाएगी या सरकार उस पर कब्जा कर लेते, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। परंतु गुड़गांव में जो ज़मीन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कई बार इस ज़मीन को बेचने का प्रयास किया गया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो ऑफिस बेरर थे संस्था के जो अभी चले आ रहे थे उन्होंने अक्टूबर 20 के अंदर यानी अभी दिल्ली ईस्ट वेस्ट रजिस्ट्रार के पास शिकायत करी कि भाई हम संस्था के सुभाष दत्त जी, उन्होंने कहा कि मैं संस्था का प्रधान हूँ और कश्मीर सिंह पठानिया हैं और 2-3 सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हम संस्था के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने ईस्ट वेस्ट रजिस्ट्रार के पास ये कहा कि भाई हम ऑफिस बेरर हैं। और देखिए, उन्होंने 4 दिसंबर को जो रजिस्ट्रार है उसने मान लिया कि सुभाष दत्त जी प्रेसिडेंट हैं और जो कश्मीर सिंह पठानिया हैं वो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं और 3 मेंबर और हैं। 4 दिसंबर को रजिस्ट्रार ठप्पा लगाता है, ये इस बात को मान लेता है कि सुभाष दत्त प्रेसिडेंट है और उसके 10 दिन के अंदर अंदर संस्था निर्णय लेती है कि हमारे पैसे की कमी है, हमें पैसा चाहिए, हमें सरकार का कुछ टैक्स देना है, हमें ज़मीन क्यों ना बेच दें। और 24 दिसंबर को ही लगभग 24 एकड़ ज़मीन बेच दी जाती है। आप देखिए, 4 दिसंबर को संस्था पे ठप्पा लगता है, संस्था को अप्रूवल होता है कि भाई ये संस्था के ये अधिकृत ऑफिस बेरर हैं और 24 दिसंबर को ही ज़मीन बेच दी जाती है। ऐसा बताया गया है कि लगभग 55 करोड़ में ज़मीन बेची गई है जो कि सरासर बहुत बड़ा गोलमाल है। मैं ज़मीन की कीमत लगभग 2500 करोड़ मानता हूँ। उसका कारण एक ये है, इसी के पैरेलल लगभग 300 किलोमीटर दूर ये हाईवे के पास है, क्योंकि ये ज़मीन भी हाईवे के पास है। फरवरी 2018 में HSIADC ने ज़मीन ऑक्शन की थी लगभग 11 एकड़ जो कि DLF ने खरीदी थी लगभग 1500 करोड़ की, 1496 करोड़ की ज़मीन ली थी। तो जब 11 एकड़ ज़मीन 1500 करोड़ में बिक सकती है तो 24 एकड़ ज़मीन की कीमत क्या होगी, आप खुद कल्पना कर लीजिए। तो 55 करोड़ में मात्र रजिस्ट्री करना और फटाफट रजिस्ट्री हो जाना। और इस रजिस्ट्री में एक बात और गोलमाल आ रही है, क्योंकि ये रजिस्ट्री ऑनलाइन नहीं हो सकती थी क्योंकि ज़मीन में बहुत डिस्प्यूट है, बहुत पंगे हैं, तो ऑनलाइन नहीं हो सकती, तो इसको ऑफलाइन करने के अप्रूवल दी गई सरकार के लेवल पर और तुरंत इसकी रजिस्ट्री कर दी गई। अब वैसे सरकार ने पहले, देखिए, मजेदार बात, जब बात शोर मचा तो पहले
क्योंकि जो इसकी अप्रूवल थी डीसी साहब ने दी, फिर डीआरओ ने दी, फिर तहसीलदार ने रजिस्ट्री करी। पहले इसकी इंक्वायरी करी गई थी, एडीसी को दी गई थी, परंतु अब डिविजनल कमिश्नर को कहा गया कि इंक्वायरी करने के लिए। परंतु मेरा मानना है सब गोलमाल है, सरकार को तुरंत इस जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए, जैसे कि जमीन कश्मीर में हुआ है। जमीन अगर ऐसे पड़ी रहेगी और सदस्य कहते रहेंगे सदस्य जमीन हमारी है, तो उससे मामला बढ़ेगा और इस रजिस्ट्री को तुरंत सरकार अपने लेवल पर कैंसिल करे, जमीन को अपने कब्जे में ले, ये हमारी डिमांड है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ना केवल शीर्ष अधिकारी बल्कि कुछ राजनीतिक नेता लोग भी मिले हुए हैं, तो एक बहुत सीनियर लेवल पर इंक्वायरी हो। अगर मेरे से पूछोगे तो इंक्वायरी किसी या तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से हो या CBI से हो, क्योंकि बाकी जो इंक्वायरी होती है उससे कोई असर नहीं निकलता। मैं रिसेंट एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हमारे यहाँ धीणा कमीशन बना था, उसने इंक्वायरी की थी कि जो आपके हाईवे पे जो वाटर के टाइम जो जमीन दी गई थी और कुछ, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उस पर करोड़ों रुपये खर्च हो गया, उसके बावजूद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इतना बड़ा कमीशन बनने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मेरा मानना है कि ये इंक्वायरी करके सरकार ड्रामा ना करे, सरकार शीर्ष लेवल पर या तो सिटिंग जज से इंक्वायरी कराए या CBI को मार्क करे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये लगभग 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है, अभी हुआ है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या खट्टर सरकार हजारों करोड़ के इस घोटाले पर कोई कार्रवाई करेगी, क्या सरकार सोसाइटी की जमीन को अपने कब्जे में लेगी, क्या इस करोड़ों के घोटाले में लिप्त लोगों को नसीब होगी जेल की सलाखें या सिर्फ चलेगी जांच। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।